देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्मार्ट सिटी योजना को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें आगरा को भी स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल किया गया था। लेकिन आगरा में स्मार्ट सिटी के नाम पर जमकर पैसे की बर्बादी हो रही है। करोड़ों रुपए से खरीदे गए सामान अब कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। आगरा को स्मार्ट सिटी में शामिल करने पर ताज नगरी वासियों ने पीएम का धन्यवाद दिया तो सपने भी स्मार्ट होने लगे। लेकिन आगरा में पीएम मोदी के इसी ड्रीम प्रोजेक्ट को चंद अधिकारियों ने मोटी कमाई का जरिया बना लिया। स्मार्ट सिटी के नाम पर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के नाम पर 3.5 लाख बार कोड टैग और 1967 स्कैनर करीब 9.55 करोड़ के खरीदे गए, जिसमें टैग की कीमत 111 रुपए और स्कैनर की कीमत करीब 28,000 रुपए थी। इसके बाद आगरा के 100 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और उसकी निगरानी को टैग और स्कैनर लगाए गए। लेकिन अब ये सभी टैग कहीं शोपीस बने हैं तो मशीनों का कुछ अता पता नहीं है। इस बारे में जब लोगों से बात की गई तो उनका कहना था कि ये स्टिकर जैसी चीज जो लगाई गई है उसकी उनको कोई जानकारी नहीं है। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी तो आती है लेकिन किसी को कुछ स्कैन करते नहीं देखा। किसी तरीके का कोई स्कैन करने के लिए कोई नहीं आया अभी। हाँ, यहाँ पर नगर निगम की एक गाड़ी जरूर आती है, वो चली जाती है, लेकिन कूड़ा वूड़ा जो डालना लेना होता है, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, लेकिन स्कैन करने के लिए कोई नहीं आया। पता नहीं किसे लगाए गए बारकोड, समझ नहीं आ रहा। जानकारी है इसके बारे में? इसके बारे में कोई जानकारी पता ही नहीं है, बस एक स्टिकर टाइप कुछ लगा दिया गया है, कोई पता नहीं है किस लिए लगाया है, क्या है, क्या प्रोसीजर है। गाड़ी तो डेली आती है बट कूड़ा वूड़ा तो लेती है वो कोच करों से, पर जो स्कैनिंग का जो प्रोसेस है उनका वो नहीं होता। उनका मतलब स्कैनिंग कुछ नहीं, केवल गाड़ी निकल जाएगी यहाँ से सीधी डोर टू डोर कूड़ा किसी से उठाती नहीं, घर से कहीं से। जब से लगे अभी तो कोई अधिकारी नहीं है? अभी तक तो कोई चेकिंग वेकिंग कुछ हुई नहीं, जो लगा करके गए थे अभी तक तो कोई नहीं आया। इस पूरे मामले पर जब सीईओ स्मार्ट सिटी निखिल फुंडे से बात की गई तो उनका कहना था कि कोरोना के चलते और कंपनी को हटाने के कारण डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन बंद था, इसलिए स्कैन नहीं हो रहे थे। अब नई कंपनी को हायर किया गया है और जल्द ही मशीनें उनके कर्मचारियों को मुहैया कराई जाएगी। ये सिर्फ चंद करोड़ के खेल की बात नहीं है, स्मार्ट सिटी की कार्यशैली पर शुरू से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। सड़क से लेकर कैमरों तक पर समय समय पर जनता ने सवाल खड़े किए हैं, जबकि जिम्मेदार और जनप्रतिनिधि भी इस ओर कोई ध्यान नहीं देते, जिसके चलते पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी खिलाड़ी खेल कर रहे हैं। बहरहाल ऐसे लोगों पर कब और क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। देखिए, यहाँ पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत प्रोजेक्ट है, कॉस्ट तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, परंतु उसमें शहर भर में लगभग 3.5 लाख QR कोड लगाए जा रहे हैं और ये QR कोड कंपनी को लगाने के बाद इसको स्कैन करने की मशीन से स्कैन करते हुए यहाँ पर अटेंडेंस और दूसरा डोर टू डोर कलेक्शन की रिपोर्ट आती है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें चूँकि डोर टू डोर का यहाँ कार्यक्रम बीच में बंद हो गया था तो लगभग 1.5 साल तक ये प्रोसीजर जो है वो बंद हो गई थी। अब उसके बाद पुनः जब से हम लोगों ने नए डोर टू डोर एजेंसी को यहाँ लाया हुआ है तो हम लोगों ने इसकी कार्यवाही फिर से शुरू की है। जो कंपनी है वो निशुल्क हमको QR कोड लगाकर दे रही है और जो स्कैनिंग की कार्यवाही है वो भी हम लोगों ने ताजगंज के जोन में भी शुरू कर दी है। डीजी मारा न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।